रोहतक मंडल के आयुक्त डी सुरेश ने कहा कि जिला में कोरोना वायरस पूरी तरह नियंत्रण में है। जिला में इस वायरस के समुदाय संक्रमण की अब तक कोई रिपोर्ट नहीं है। जिला प्रशासन की ओर से लॉकडाउन एवं धारा 144 को सख्ती से लागू किया जा रहा है तथा इनका उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। जिला में विदेशों से लौटने वाले 153 व्यक्तियों को क्वारंटाइन किया गया है। 65 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की गई है जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव मिली है। जिला में कोई भी व्यक्ति कोरोना वायरस संक्रमित नहीं है। रोहतक से हमारे संवाददाता रिंकू परमार की रिपोर्ट। 19 की जो सिचुएशन है बहुत ही कंट्रोल में है, बहुत ही कंट्रोल में है। हमारे यहाँ पे 65 केसेस की टेस्टिंग हुआ, एक भी केस पॉजिटिव नहीं हुआ है। एंड हमें लग रहा है कि जिस प्रकार की हमारी यहाँ पे व्यवस्था है, जिस प्रकार की हमारी समीक्षा है, तो मुझे लग रहा है कि मैं आपको बहुत ही कॉन्फिडेंट तरीके से मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ। फिर भी हम लोगों को हम ये कह रहे हैं लगातार कि वो सोशल डिस्टेंसिंग एंड लॉकडाउन सिस्टम का वो जो है वो रेस्पेक्ट करना चाहिए। वो हम लागू करने के लिए पूरी तरह हम कोशिश कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, प्यार से समझा रहे हैं। जहाँ पे समझ नहीं पा रहे वहाँ पे सख्ती भी हम कर रहे हैं। जैसे कि हम 300 लगभग 350 केसेस ऐसे हैं जिनमें लॉकडाउन के वायलेशन हुए हैं और 109 लोगों को अरेस्ट किया। लगभग 3,100 केसेस में चालान हमने किए हैं, 400 केसेस वाहनों को जब्त किया, 72 FIR लॉन्च किए हैं। और यहाँ पे जितने भी लोग जो फॉरेन से आए हुए हैं, फॉरेन रिटर्नीज, उनको क्वारंटाइन किया है। कुछ लोग उनका क्वारंटाइन पीरियड भी खत्म हो चुका है और कुछ लोग अभी क्वारंटाइन में हैं। 153 लोग अभी क्वारंटाइन हैं, तो लगातार फॉलोअप हो रहा है। एंड हमारे यहाँ पे शेल्टर होम्स 45 हैं। तो ये यहाँ जो हमारी जो असंगठित मजदूरों की जो संख्या लगभग 65,000 है और जिनमें एक भावनात्मक तनाव से कुछ दिनों पहले वो यहाँ से जाने के लिए कोशिश किया, तो पुलिस विभाग ने 2,000-3,000 लोगों को बॉर्डर पे रोक के उनको उसके बाद रोकने के बाद इसका मतलब ये कि हमने जरूरत से ज्यादा सख्ती किया। हमको समझाएं प्यार से समझाएं, इस बीमारी के बारे में समझाएं, हमें आश्वस्त किया कि बोले किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। एंड ये एक बहुत ही एक सकारात्मक और प्रशंसनीय विषय है जिसमें डीसी साहब, एसपी साहब और हमारे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स और सभी लोग इसमें प्रतिबद्धता से, लगनशीलता से काम किए। मैं आपको बड़े गर्व से मैं कह सकता हूँ कि आज हमारे शेल्टर होम्स में केवल 504 लोग रह रहे हैं। यहाँ पे संख्या 65,000 होने के बावजूद इसका मतलब इससे ये बात साबित हो रहा है कि लोग असंगठित मजदूरों में विश्वास पैदा हो रहा है प्रशासन की एक्टिविटीज के कारण। और ये बहुत ही एक प्रशंसनीय और ये काबिल तारीफ विषय ये है कि हम 2,21,000 फूड पैकेट्स इन मजदूरों को अपने अपने इलाकों में, अपने अपने घरों में हम उपलब्ध कराए एनजीओ के माध्यम से। एनजीओ को हमने प्रेरित किया। बात प्रसिद्धि की नहीं, बात ये व्यक्तिगत ख्याति की नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई प्रशासन ने किया, क्या किया, ये बात नहीं है। इसमें इस बीमारी की लड़ाई में हम सब मिलकर, आप लोग भी इसमें इसके हिस्से हैं, मीडिया, प्रशासन एंड एनजीओ। प्रशासन का काम रेगुलेट करना, समझाना एंड सुनिश्चित करना कि सिस्टम एक व्यवस्थित तरीके से चले। कल परसों मुझे ये बात भी आई कि यहाँ पे जो ना लाखों मतलब फूड पैकेट एनजीओ ने किया, आपने क्या किया? नहीं, हम जरूरत पड़े तो हम करेंगे। हमने एक व्यवस्था बनाया, हम उनको प्रेरित किया, हमें एक सिस्टम बनाया, उन सभी लोगों को एनजीओ को बुलाया, हम एरियाज बांटे। और ये बहुत ही मतलब प्रशंसनीय बात है कि यहाँ पे एनजीओ में, लोगों में, पार्षदों में, सरपंचों में, जनप्रतिनिधियों में एक जुनून है भाई देश के लिए हम करना है। ये समय पॉलिटिक्स के नहीं है,
ये समय प्रसिद्धि की पॉपुलैरिटी की नहीं है। तो मैं समझता हूं कि जितना भी रोहतक बहुत ही बढ़िया तरीके से इस सिचुएशन को संभाला, मैं दावे से कह सकता हूं कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ। यस सर, आपने